हेलो भाई लोग। तो अभी हम पहुंच चुके अपने मंजिल के आधे रास्ते पे। चोपियाल शोफियान सोफिया। और ये रास्ते में हमको दिखा कुछ अच्छा सा सीन। वो दोनों तो उधर से गए शूट करने, उधर गए। और भाई ये देखो, बिल्कुल एकदम बर्फ के बीच से निकलती हुई नदी। हम अभी चल रहे हैं पिछले 2 घंटों से, 2 से ज्यादा ही होगी ना। हम लोग जा रहे हैं नायग्रा फॉल। नायग्रा फॉल जा रहे हैं। नायग्रा फॉल भाई, इंडियन नायग्रा फॉल नहीं, कश्मीर, कश्मीरी नायग्रा फॉल। नायग्रा फॉल आप कश्मीर जा रहे हैं भाई। लोकेशन आप पहुंच के बताएंगे। पिछले 2.5 घंटे से चल रहे हैं लगभग, पहलगाम से इतना ही रास्ता है। अपने पैदल जाना ना आगे। यहाँ इतने लोग तो जानते हैं कहाँ आ रहे हैं हम लोग। नहीं अरे यार, आप तो काट ही दोगे। अरे यार चलो निकलते हैं। बीप कर देना। अभी जा रहे हैं भाई नीचे, थोड़ा बर्फ में चलना है और ठंडी बहुत ज्यादा है। तो हमने पूरा श्रीनगर वाला रूप धारण कर लिया भाई। सच में बहुत ज्यादा ठंड है यार। गुलमर्ग वाली फील आ रही है, शायद उससे भी ज्यादा ठंडी हो। शायद ठंड तो ऊपर वाले से ज्यादा नहीं होगी। हाँ लेकिन यहाँ धूप नहीं है। हाँ धूप नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी फील हो रही है यार। और बोतलें उठा लिए क्योंकि फ्रेश वाटर लाएंगे नीचे से। पता नहीं फ्रोजन ना हो बोतल लेके लाए। कहीं पे फ्रोजन हुआ तो वैसे ही उठा के लाना पड़ेगा। अभी दिख नहीं रहा यार इस चश्मा की वजह से। चलो कहीं ना चलते हैं, मिलते हैं आगे। भाई हमें जाना है वहाँ, हाथ कांप रहे हैं यार। वो है वाटरफॉल, उस वाटरफॉल तक जाना है अपने को, लेकिन जाया जाएगा इधर से। भाई ये थी वो सीक्रेट जगह जो अब तक छुपा रहा था मैं। हर्बल वाटरफॉल, वाटरफॉल भाई। ठंड में पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि हम शाम के टाइम आए ना। पर एक फायदा हो गया, भीड़ नहीं है बिल्कुल भाई यहाँ पे। ये है ना वो नेचुरल स्प्रिंग वाटर भाई, ये है आते वक्त भरेंगे यहाँ से। एक बार आगे चलते हैं। ये है भाई वो जिसके लिए चले हैं इतना। अभी हो गया है काफ़ी लेट और कलर्स सारे जा चुके हैं। अभी शूट नहीं हो पाएगा तो निकलते हैं। और हम जा रही है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे और कोई नहीं है। और अब पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, इसके शोर में थोड़ा इधर हो जाता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ क्या है सीन। तो जैसे कि मैं हर जगह हिदायत दे देता हूँ, वही वाली बात है, अकेले तो कभी मत आना यहाँ पे इस टाइम। और साथ हो तो साथ ही निकलना, साथ साथ ही चलना, थोड़ा भी गैप मत रखना बीच में। क्योंकि भाई ये जो सीन है ना, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या खतरा है। यहाँ पे भाई सर्दियों में तो खतरा है स्नो लेपर्ड्स और वॉल्फ का, और गर्मियों में भाई बालू आपको कंफर्म मिलेगा। अभी स्नो लेपर्ड का बहुत ज़्यादा रिस्क है, खतरा है। इधर एक दो जगह हैं, ऊपर से आवाज़ें भी आई है, टैनी भी ली है। तो अभी हम साथ साथ ही निकल रहे हैं इधर भाई। स्नो लेपर्ड आप समझिए हो क्या खतरनाक चीज़ होगी। दिख जाए वही बहुत बड़ी बात है, हम तो सोचते हैं दिख जाए, पर ऐसी जगह ना दिख जाए भाई। बाकी दिखे वो बढ़िया बात है, हम भी चाहते हैं हमको स्नो लेपर्ड दिखे। अरे भाई गिरूँगा, लेकिन ऐसे एकांत में अकेले में कभी ना दिखे भाई। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अभी निकले। ये भाई भरा जा रहा है पानी, फ्रेश स्प्रिंग वाटर, जो कि हम पीते हैं जब मिलता है तभी, वरना तो कुछ भी पीना पड़ता है भाई, क्या करें। ये लो पी के भाई भी भर रहे हैं। और बस निकलते हैं भाई यहाँ से। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम आवाज़ें आई थी पीछे से, अब चेक करना पड़ेगा इसमें रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है भाई। थोड़ा डेंजर बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन गया भाई, ये आप देख सकते हो। ये मेरे मुंह से निकल रहा है और हाथ जम रहे, बिल्कुल लाल हो गए। चले निकलो। हाँ ये देखो भाई पूरा इसके अंदर से निकल रहा है, और कोई सोर्स नहीं इसका। ये पत्थर के अंदर से चलेंगे। हाँ साथ चलेंगे, ये पत्थर के अंदर से निकल रहा है भाई पूरा पानी। हो गया, सबने पी लिया हमने अपना आराम से। और मैंने तो पूरी बॉटल पी। हाँ भाई 2 बॉटल पी गए, एक पहले एक अब।
और अभी पूरा भर ले, तीनों चारों बोतल फुल हो गई है। अभी निकलते हैं साथ में क्योंकि भाई सीन्स हो गए हैं बिल्कुल डेंजर वाले एकदम। क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल, इस टाइम ऐसी जगह तो होना नहीं चाहिए किसी को, और ऊपर से अकेला तो बिल्कुल नहीं, जब किसी को पता भी ना हो आप कहाँ हैं। चलो गलत आ गए क्या? तो भाई अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो ये हमारे वाली गलती कभी मत करना। यहाँ पे आके हमने जब चाय के लिए गाड़ी रोकी तब हमको पता चला कि ये वाला एरिया कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। ये क्या गिरा भाई? ये पिछले एक घंटा में दूसरी बार हुआ है जब मेरा फ़ोन गिरा है। कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। नहीं, वो दूसरा फ़ोन है ना, एंड्रॉयड वाला गिरा है। तो भाई आर्मी वालों ने बोला कि यहाँ पे सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। हमें नहीं पता था पहले इतना ज़्यादा है, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया था पर इतना नहीं था कि इतना ही ज़्यादा सीरियस है। तो भाई जो पहले मैंने बोला ना कि शाम को आना, वो वाला भाई उसको भूल जाना, वो मत वो देख के मत आना शाम को, भीड़ में आना। हाँ भीड़ में आना, शाम को मत आना। अभी हमने कर लिया वाटरफॉल पूरा देख लिया, काफ़ी अंधेरा हो गया है बाहर और टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया। अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, और अभी हमने मन बनाया कि हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी, शाम वाले टाइम बिल्कुल भी मत आना। कुछ चीज़ें हैं जो बोली नहीं जा सकती, तो ये टाइम ठीक नहीं है यहाँ आने का, चाहे अकेले हो चाहे ग्रुप हो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो अवॉइड करें। इससे अच्छा है भीड़ में आके बना के चले जाओ, जो हो रहा है वो ठीक है, दिन में बढ़िया है क्योंकि रुकने की सुविधा नहीं है उस दृष्टि से भी, और काफ़ी और भी चीज़ें होती है, आप समझदार हो समझते हो। और अभी हम जा रहे हैं, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, बनिहाल ही जाएंगे हम, बनिहाल रुकेंगे। दो घंटे का रास्ता है, दो से ज़्यादा का ही होगा ना, 100 किलोमीटर प्लस है ना। वो अभी बनिहाल ही जा रहे हैं हम, तो वहाँ जाके देखते हैं, रास्ते में खाना वगैरह खा लेंगे। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, कितना टाइम हो गया भाई, टाइम क्या हो गया, सात करीब सात हो गए होंगे। मिलते हैं बनिहाल में।